श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। हिंदू धर्म में गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि शनिवार यानी 6 जुलाई से शुरू हो चुकी है, जिसका समापन 15 जुलाई के दिन होगा। माना जाता है कि जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा के साथ गुप्त नवरात्रि का व्रत करता है, माँ दुर्गा उसकी हर मनोकामना पूरी कर उस पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखती है। इतना ही नहीं, अगर आप किसी तरह के संकट या दुख परेशानी से जूझ रहे हैं तो आपको गुप्त नवरात्रि के दौरान कुछ उपाय करने चाहिए। इससे आप माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं। ये उपाय कौन से हैं, आइए जानते हैं। गुप्त नवरात्रि में किए जाने वाले विशेष उपाय। अगर आप किसी तरह के आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं तो अगर आपको गुप्त नवरात्रि के दौरान लाल कपड़े में अक्षत और कौड़ी बांधकर घर की तिजोरी पर 9 दिन में रखते हैं, तो इसके बाद इस पोटली को घर में कहीं छुपा देते हैं तो इससे आपको धन का लाभ मिलता है। गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की पूजा करते समय उनके चरणों में कमल का फूल जरूर अर्पित करें। इससे माँ अति प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान सुबह और शाम माँ दुर्गा को विभिन्न फलों या मिठाई का भोग लगाएं। इससे माता रानी जल्दी प्रसन्न होकर भक्त की झोली खुशियों से भर देती है। नवरात्रि की पूजा करते समय रोजाना माँ दुर्गा को 7 लौंग अर्पित करें। इस दौरान माँ दुर्गा के वैदिक मंत्रों का जाप करें। इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। विवाह की इच्छा रखने वाले लोग गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की पूजा करते समय उन्हें सिंदूर जरूर अर्पित करें। इससे विवाह में जो अड़चनें आ रही हैं वे खत्म हो जाती हैं। आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है। साल में 4 नवरात्रि आती है, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि की पूजा सभी करते हैं। इनको प्रकट नवरात्रि कहा जाता है। इसके अलावा माघ और आषाढ़ मास की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की 10 विद्याओं की पूजा गुप्त रूप से की जाती है। इस नवरात्रि में की जाने वाली पूजा और मनोकामना को गुप्त रखा जाता है। विशेष रूप से साधना करते हैं पूजा करते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। आदि शक्ति की कृपा से जो व्यक्ति पूजा पाठ करते हैं, अगर उनके कोई संकट है, कोई दिक्कत बनी हुई है, तो इस नवरात्रि में आप ये उपाय जरूर करके देखें। सुख समृद्धि और सम्मान में वृद्धि के लिए गुप्त नवरात्रि में हर रोज रात में माँ दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं, माँ को लाल फूलों की माला चढ़ाएं, इसके साथ चांदी की कोई वस्तु माँ के चरणों में अर्पित करें। ऐसा करने से सफलता, खुशी, समृद्धि, आनंद और प्रेम में वृद्धि होती है। गुप्त नवरात्रि में हर रोज रात में माँ आदि शक्ति की पूजा अर्चना करें। नवरात्रि के पहले दिन 9 गोमती चक्र लेकर माँ के पास रख दें। इसके बाद अंतिम दिन में पूजा करने के बाद गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांधकर धन के स्थान जहाँ आलमारी या तिजोरी रखते हैं, ऐसे जगह पर आप वे उस को रख सकते हैं। इससे आपके धन धान में वृद्धि होगी और माँ दुर्गा की कृपा बनी रहेगी। गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तमी के 12वें अध्याय के 21 बार पाठ करें और लौंग कपूर के साथ आरती करें। नवरात्रि के अंतिम दिन देवी दुर्गा के मंदिर में लाल रंग का झंडा लगाएं। ऐसा करने से घर में सुखी खुशियों का आगमन होता है, साथ ही नौकरी व व्यापार में उन्नति रहती है, धन प्राप्ति के मार्ग बनते हैं। माता की कृपा से जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। परिवार में सुख शांति समृद्धि के लिए गुप्त नवरात्रि के दौरान रात के समय में आदि शक्ति के सामने घी का दीपक जलाएं, सिंदूर अर्पित करें, साथ में 9 बतासों में 2 लौंग रखें और माता को अर्पित करें। ऐसा करने से तरक्की के रास्ते खुलते हैं, सभी सदस्यों से आपसी प्रेम बना रहता है। जीवन में सभी कष्टों से मुक्ति के लिए नवरात्रि के दौरान रात के समय माँ दुर्गा का पूजा कपूर लौंग से आरती करें।
साथ ही रोज भैरव बाबा के मंदिर में प्रार्थना करें। ऐसा करने से अड़चन दूर होती है और सभी कार्य धीरे धीरे बनने लगते हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक हवन करें और घी में कमलगट्टों को भिगोकर दुर्गा सप्तमी का पाठ करते हुए आहुति दें। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी महानंदा नवमी के दिन 9 कन्याओं को घर में बुलाकर पूरी सब्जी के साथ मखाने की खीर का भोग लगाएं। दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद बना रहता है, घर में लक्ष्मी का आगमन हो रहता है। चैत नवरात्रि के 9 दिनों में हर रोज जलते हुए कपूर के साथ एक लौंग रखकर फिर उसको पूरे घर में घुमाएं। ऐसा करने से घर में मौजूद सभी तरह के दोष का प्रभाव बना रहता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा के रहने से माँ दुर्गा का भी घर में वास बना रहता है, जिससे मंगल ही मंगल बना रहता है। धन में वृद्धि के लिए उपाय। अगर कभी काफ़ी प्रयास के बाद भी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं आ रहा है तो नवरात्रि के दिन किसी भी दिन लाल कपड़े में 1 लौंग, 5 इलायची, 5 सुपारी को बांधकर माँ दुर्गा के चरणों में रख दें। कुछ देर बाद उस पोटली को रखने के बाद उसको अपने घर ले आए। ऐसा करने से धन में वृद्धि के योग बनने लगते हैं। नवरात्रि के किसी भी दिन 2 लौंग सिर से 7 बार उतारकर माँ दुर्गा के चरणों में रख दें। ऐसा करने से बेरोजगार लोगों को नौकरी मिलने लगती है। नवरात्रि के किसी भी दिन 2 लौंग सिर से 7 बार उतारकर माँ दुर्गा के चरणों में रख दें। ऐसा करने से बेरोजगार लोगों को नौकरी मिलेगी। साथ ही जो लोग नौकरी पेशा है उनको प्रमोशन के योग बनने लगते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु के अशुभ स्थिति है तो आप नवरात्रि में रोज 2 लौंग शिवलिंग पर रोज चढ़ाएं। ऐसा करने से राहु केतु के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। साथ ही रुके कार्य बनने लगेंगे। नवरात्रि में रोज जलते हुए कपूर में लौंग रखें, फिर इसके धुएं से पूरे घर में घुमाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और नकारात्मक शक्ति बाहर जाती है। अगर किसी बच्चे को बहुत जल्दी नजर लग जाती है, उस बच्चे के ऊपर से 11 बार लौंग उतारकर किसी चौराहे पर रखाएं। इससे बच्चे की नज़र उतर जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।